देखिए हम जगदलपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव चिड़पाल गांव है, जो पहाड़ किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव है और बहुत अच्छा गांव है। वहाँ इसने मैट्रिक पास है, 10वीं पास कर चुकी है, आगे की पढ़ाई भी कर रही है और पार्ट टाइम काम घर में रहती है, तो चलो गाय भैंस चला लेते हैं। ऐसे भावना है इनको कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिख ली हूँ तो कुछ भी काम नहीं करूँगी, ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ काम करना है घर पर, है ना शांति, है ना। तो घर के जो सदस्य हैं साथ मिलकर सब काम करते हैं, साथ खेती भी बाड़ी करते हैं ना। ये गाय जो दिख रहा है आपका, भैंस वैंस सब आप लोग का है ना। देखिए शांति जी कितना मेहनत करती है, तो आगे आप पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई करूंगी, बोल रही 12वीं और पढ़ेगी अभी, 12वीं पढ़ने के बाद आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ काम सीखते हैं, सिलाई का काम है आपका और जैसे जो जरूरत की चीज़ है ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख सकती हो आप, सिलाई का भी काम सीख सकती हो, साथ में जो भी काम अच्छा आता है वो सीख सकते हैं। जो गाय चला रहे हैं एक पार्ट टाइम काम है ये, क्यों शांति चाहती है सीखना, कुछ आगे बढ़ना चाहती हो? हाँ देखिए हम बस्तर के गांव में चिड़पाल गांव, और देखिए इनको देखिए, ये मैट्रिक पास है ये, और बस्तर के जंगल जो है गांव में बसा हुआ चिड़पाल गांव है और बहुत अच्छा गांव है। आप देख पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पहाड़ के पास बसा हुआ गांव है, उसमें से देखिए ये लड़की है, क्या नाम है आपका? शांतिन। शांति ने 10वीं पास की है और 10वीं पास करके देखिए गाय चला रही है। क्या करेंगे, गांव में रोजगार नहीं है, पढ़ लिख के खाली बैठे हैं, इससे अच्छे चले गाय चला देते हैं, क्यों जी? है ना, तो शांति से मिलवाते हैं आपको और कैसा महसूस करते हैं गाय चलाने में और पढ़ाई आगे क्यों नहीं किया, तो वीडियो का आखिरी तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जगदलपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव चिड़पार, जहां मांदरकोंडा गुफा है, वहां से लगा हुआ है। मांदरकोंडा गुफा आप तो नाम सुने होंगे या आए होंगे, तो उसी के पास लगा हुआ चिड़पार गाँव, वहाँ का लोकेशन है। और वीडियो को आखिर तक देखिए, मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको नए से नए वीडियो दिखा सकूँ। ये बस्तरिया गाना सुनाओ भाई, हम बस्तर में आए हुए हैं तो पब्लिक को चाहिए बस्तरिया गाना, हल्बी गाना में सुनिए कुछ भी, चलिए आइए इधर आइए, कुछ भी जो फेस्टिवल चलता है या गाना चलता है आप सुने होंगे वो गाना, कोई भी गाना जो आता है वो सुनिए। तो मेरे को पूरा नहीं आता है, नहीं पूरा नहीं आया, दो लाइन तो आता होगा ना, दो लाइन गाइए। शांति कुछ गाना सुनाओ भाई, चलो हल्बी गाना हो या हिंदी गाना कोई भी आती है आपको? शर्मा रही है वो, थोड़ा सा गाना सुनाओ, अच्छा लगे सुनाइए ना आप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाना गाई ना आप भी, गाना या कुछ भी जो होता है ना कार्यक्रम होते हैं, भक्ति गाना हो या फिल्मी गाना हो या जो लोकल गाना होते हैं, सीखना जरूरी है क्योंकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी होंगे तो हम उसको भी सिखा सकें, है ना। अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो अगलों को क्या सिखाएंगे, पूरा नहीं आता है लेकिन कुछ तो लाइन आना चाहिए ना, जैसे कोई भी अपना भद्री का हो, भलवी का हो, हिंदी हो, उस टाइप के जैसे छत्तीसगढ़ी गाना आता है वो भी, कोई भी एक्स वाई जेड। शांति की पापा खेती करते हैं, शांति आपको पिक्चर से देखती हो टीवी में? जी, देखती हूँ सर। देखती हो, तो चलो एक गाना सुनाओ, कोई भी गाना आपके हल्बी भाषा में या हिंदी भाषा में जो जानती हो। शर्मा रही है, आयो माचो दंत।